नमस्कार दोस्तों, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर सॉल्यूशन पार्ट थर्ड। सॉल्यूशन पार्ट थर्ड। इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिफोर दिस वी स्टडीड अबाउट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्यूट, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्टिंग फैक्टर। नाउ on the basis of Raoult's law we studied about ideal and non ideal solution. What is ideal solution and what is non ideal solution? Solution, they are obey Raoult's law, are ideal, and doesn't obey Raoult's law are non ideal. It is not correct. What is correct definition of ideal and non ideal? Each range of temperature and concentration solution which are obey each range of temperature and concentration are ideal, and can't obey each condition are non-ideal. कहने का मतलब है ऐसे solution जो temperature और concentration की each range पर Raoult's law को obey करते हैं वो ideal होते हैं, और each condition पर obey नहीं करते वो क्या होते हैं? Non-ideal solution होते हैं। इनको identify करने के लिए हम चार different point लेते हैं, जिसमें देखना first point आपका P total equals to P naught A X A plus P naught B X B for non-ideal. P total equals to P naught A X A plus P naught B X B. It is equals to and it is not equals to. Means total vapor pressure is equals to sum of vapor pressure of component, then ideal solution. And total vapor pressure is can't equals to sum of vapor pressure of each component, then non-ideal solution. कहने का मतलब है किसी solution का टोटल जो वेपर प्रेशर है वो अगर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है तो आइडियल है, और इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो। इसमें पॉइंट होगा आपका डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मीन्स है इसका? एंथैल्पी चेंज जीरो के इक्वल है तो आइडियल, एंथैल्पी चेंज जीरो के इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल। बट कंप्लीट लैंग्वेज क्या होगा? कंप्लीट लैंग्वेज होगा, सपोज कीजिए ये सॉल्वेंट है, इसमें आपने कंपोनेंट मिलाए लिक्विड कंपोनेंट, और लिक्विड कंपोनेंट मिलाने के बाद पहले भी एंथैल्पी उतना ही था, मिलाने के बाद भी एंथैल्पी उतना ही है, तो वो होगा आपके पास आइडियल। मीन्स व्हेन मिक्स कंपोनेंट when mix component in solvent then if enthalpy change is zero then ideal, and enthalpy change can't equals to zero then hoga non ideal. Agli baat karte hain third, delta v mixing equals to zero then ideal. Isme hoga delta v mixing not equal to zero then होगा आपके पास non ideal. Means solvent में component को मिलाने के बाद volume change नहीं हो या volume change zero, that means ideal. और volume या तो कम हो जाए, या तो volume decrease हो जाए, या volume increase हो जाए, तो क्या होगा आपके पास? non ideal. Next topic fourth, A B B equal to A B. नेक्स्ट इधर होगा आपका ए ए बी बी
नॉट इक्वल टू ए बी। कहने का मतलब सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूशन देन आइडियल, बट इफ सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर नॉट इक्वल टू सोल्यूशन देन नॉन आइडियल। देखिए सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन अगर सॉल्यूशन के अट्रैक्शन के इक्वल्स हो तो आइडियल है और इक्वल्स नहीं है तो क्या होगा नॉन आइडियल है। इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हो एक जैसे है एक जैसे फोर्सेस है एक जैसे अट्रैक्शन फोर्स है इसको बोल सकते हो कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स इक्वल्स टू एडहेसिव देन हो गया आइडियल और नॉट इक्वल्स टू तो क्या होगा आपका नॉन आइडियल। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं आइडियल के एग्जाम्पल और आइडियल का ग्राफ क्या बन सकता है तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं। नॉन आइडियल के ग्राफ तो दो टाइप के होंगे बिकॉज नॉन आइडियल दो टाइप का होता है एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो हम पहले बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो जब भी आपके पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे इसमें टू कंपोनेंट मिक्स होंगे तो आप ग्राफ में भी टू कंपोनेंट ले लो तो दो साइड ले लिया आपने सपोज करो एक ये साइड होगी और एक साइड क्या होगी आपके पास ये दो कंपोनेंट एक्स ए और एक्स बी। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक्स ए एक्स बी इधर भी एक्स ए और एक्स बी। सपोज कीजिए इस पर एक्स ए की मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी की 0 होगी बिकॉज टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितनी होती है 1। इस तरफ हो गया आपके पास 0 तो इसका कितना होगा 1। अब जब भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं तो इसमें जो ग्राफ की लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी सीधी सीधी। तो सपोज करो इसकी लाइन चली गई इधर और इसकी लाइन आ गई यहां पर और इन दोनों को अगर एड करना है तो ये होगा पी टोटल। ये हो गया क्या पी टोटल। अब देखो ये लाइन यहां से 0 से स्टार्ट है और इस लाइन पे मिल रहा है तो यहां पर कौन एग्जिस्ट है एक्स बी तो ये हो गया पी बी और पी बी इक्वल टू होता है पी नॉट बी एक्स बी। नेक्स्ट ये लाइन कहां ड्रॉ हो रही है इस पे ड्रॉ हो रही है यहां कौन एग्जिस्ट है ए तो ये हो गया आपका पी ए और पी ए का वैल्यू होता है पी नॉट ए एक्स ए। तो पी टोटल कितना होगा बेटा दोनों का टोटल होगा पी ए प्लस पी बी दोनों का वैल्यू पुट करो पी ए प्लस पी बी मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां पर इस लाइन का चक्कर है देखो ये लाइन आपके पास कैसी है और ये लाइन आपके पास कैसी है ये स्मॉलेस्ट लाइन है और ये बिगेस्ट लाइन है। तो जो लाइन आपके पास बड़ी है बिगर लाइन आ रही है वो मोर वोलेटाइल है और जो कम आ रही है वो लेस वोलेटाइल है। बस अगर दोनों बराबर आती है तो दे आर सेम वोलेटाइल बट जो कम है तो लेस वोलेटाइल और जो ज्यादा है तो मोर वोलेटाइल होगी। एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं आइडियल बिकॉज नॉन आइडियल तो खुद ही दो टाइप का होता है हम आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल के एग्जाम्पल हो गए बैठे यहां पर एक हो गया जैसे इथेनॉल और मिथेनॉल CH3OH plus C2H5OH यहां हो गया मिथेनॉल प्लस इथेनॉल यहां हो गया आपके पास N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन जैसे हो गया आपके पास CCl4 प्लस SiCl4 ऐसे हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। बहुत सारे एग्जांपल है पर दो चार एग्जांपल याद कर लो फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो इथेनॉल और मिथेनॉल ये हो गया CH3C2H5 CH2 का डिफरेंस है हेक्सेन और हेप्टेन CH2 का डिफरेंस है। तो आइडियल सॉल्यूशन के आपके पास ट्रिक बनती है आइडियल सॉल्यूशन को याद करने की ट्रिक बनती है जिसमें CH2 का डिफरेंस हो। नेक्स्ट दूसरी बात आती है जैसे आपने कहा CCl4 और SiCl4 कार्बन और सिलिकन एक ग्रुप के मेंबर है तो क्या होगा आपके पास सिमिलर ग्रुप हो सिमिलर ग्रुप। एक बात आती है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो आप देख रहे हो प्रीफिक्स तो अलग अलग है पर इनके सफिक्स क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इनके सफिक्स कैसे सेम है तो ये ऐसे जो आपके पास होंगे वो सभी क्या होंगे आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ये आपका पहला इंट्रोडक्शन हो गया आइडियल और नॉन आइडियल। तो किसे कहते हैं सॉल्यूशन विच आर ओबे राउल्ट्स लॉ एट ईच रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर राउल्ट्स लॉ आर आइडियल सॉल्यूशन बट कांट ओबे ईच कंडीशन आर नॉन आइडियल। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट देन आइडियल और कांट इक्वल टू तो नॉन आइडियल।
When component then enthalpy change is zero, then ideal, and not equals to zero, then non-ideal. When component mix in solvent, then volume mixing या volume change may be zero, then ideal, or not equals to zero, तो क्या होगा आपके पास? Non-ideal. Solute, solvent interaction, R equals to solution, तो ideal, or not equals to, तो non-ideal. अब यहाँ एक बात करते हैं. एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किसी सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शंस फास्ट है. ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, तो वो कैसा होगा, किस टाइप का हो सकता है? तो यहाँ पर तो इक्वल्स था, यहाँ पर कैसा नॉट इक्वल्स हुआ, तो इसी में दो टाइप आएंगे. एक होगा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल में मिलेगा. तो नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ग्राफ आपने देख ही लिया. नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम नॉन आइडियल की. नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? तो डेफिनेशन सभी को पता है, जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की ईच रेंज पर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता, वो क्या कहलाता है? आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो टाइप का होता है. कौन कौन से दो टाइप है? सबसे पहला तो है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा होगा आपके पास नेगेटिव डेविएशन. एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा नेगेटिव डेविएशन. पहले दोनों को ग्राफ से स्टार्ट करते हैं. तो चलो ग्राफ पहले आप आइडियल का बना ले दोनों में, दोनों ही सॉल्यूशन में आप आइडियल का ग्राफ बना ले. वही सपोज कर लो वापस, इस तरफ ए एक्स ए एक्स बी, इस तरफ बी एक्स ए एक्स बी, इधर एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, इधर नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट, ऐसे ही इसमें एक्स ए इक्वल टू वन कर दो, एक्स बी इक्वल टू जीरो कर दो, इधर भी एक्स ए इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स बी इक्वल टू वन कर दो. अब पहले आप आइडियल का ग्राफ बनाते तो कैसा बनता? आप कहोगे सर सीधी लाइन ड्रॉ कर दो आइडियल में, इधर भी क्या हो गया आपके पास सीधी लाइन, और टोटल में भी सीधी लाइन. ऐसे इसका भी क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन और टोटल की भी स्ट्रेट लाइन. बट यहां पॉजिटिव है, मींस वेपर प्रेशर इससे कुछ प्लस में होगा, तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ऐसे नेगेटिव का मतलब क्या, कम हो रहा है, डिक्रीज हो गया. तो इसके ग्राफ कैसे हो जाएंगे, ऐसे. पॉइंट क्या बनेगा, तो सबसे पहले दोनों ही किसके टाइप है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही किसके टाइप है, नॉन आइडियल के. होता क्या, P total not equals to P not A X A plus P not B X B. इधर भी क्या होगा आपका, P total equals to P not A X A plus P not B X B. Non ideal मतलब दोनों में क्या होगा, not equals to होगा, but positive deviation में total vapor pressure क्या होगा, ज्यादा होगा, और इधर total vapor pressure क्या होगा, कम होगा. That means PA का जो वैल्यू है, ये लाइन काट रो रही है, इस पे तो हमेशा इसको हम क्या लिखते हैं, PB का वैल्यू क्या होगा, PA का वैल्यू क्या होगा और P टोटल का वैल्यू क्या होगा. तो PB इक्वल्स टू किसके होता है, P नॉट B X B. PA किसके बराबर, P नॉट A X A. P टोटल बराबर P नॉट A X A प्लस P नॉट B X B. तो जब भी ध्यान रखो, जब लेफ्ट हैंड साइड ये कर्व लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो आपका पॉजिटिव होगा, मींस ऐसे ऐसे ऐसे. लैंग्वेज क्या बन गई, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन का फर्स्ट पॉइंट, तो आप कहोगे टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, देन होगा आपके पास पॉजिटिव डेविएशन. एंड सम ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज ग्रेटर देन टोटल वेपर प्रेशर, देन होगा आपके पास क्या, नेगेटिव डेविएशन. तो इसका क्या बनेगा बेटा, इसका बनेगा P टोटल क्या होगा, P नॉट A X A प्लस P नॉट B X B. इस तरफ होगा P B, ये होगा P नॉट B X B, ये होगा P A, तो क्या लिखोगे, P नॉट A X A. तो कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे. कुल मिलाकर लेफ्ट हैंड साइड जब ये कर्व लेता है तो होगा पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड लेता है तो क्या होगा आपका, नेगेटिव डेविएशन. सेकंड पॉइंट बोलो, सेकंड पॉइंट हो गया आपका डेल्टा एच मिक्सिंग. डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो,
इधर भी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा जीरो, तो मैं पॉजिटिव डेविएशन में क्या कहूंगा ग्रेटर देन, नेगेटिव में क्या कहूंगा लेस देन। थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा जीरो, इधर भी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा जीरो, पॉइंट बोलो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, इसमें क्या होगा सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इधर सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इधर सॉल्यूशन, क्या होगा ग्रेटर देन लेस देन, ये आपके पॉइंट बन गए। थोड़ा लैंग्वेज में डाल दो इसको, क्या बोलोगे टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ग्रेटर हो तो पॉजिटिव और कम हो तो नेगेटिव, कंपोनेंट को सॉल्वेंट में मिक्स करने पर एंथैल्पी चेंज जीरो से बड़ा हो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव डेविएशन और एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो तो नेगेटिव डेविएशन। अगला डेल्टा वी मिक्सिंग, कंपोनेंट को सॉल्वेंट में मिलाने पर वॉल्यूम कम हो जाए दैट मींस पॉजिटिव डेविएशन, और वॉल्यूम क्या हो जाए सॉरी ग्रेटर हो जाए तो आपका पॉजिटिव डेविएशन, और वॉल्यूम घट जाए बिकॉज जीरो बड़ा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो होगा आपका नेगेटिव डेविएशन। सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय किसके सोल्यूशन के, इसका मतलब बॉन्ड किसके वीक होंगे बेटा सोल्यूशन के होंगे, तो सोल्यूशन में होने वाली रिएक्शन क्या होगी फास्ट होगी, तो ध्यान रखना इसमें सोल्यूशन में होने वाली रिएक्शन फास्ट होती है जबकि इसमें सोल्यूशन में होने वाली रिएक्शन क्या होगी स्लो होगी, बिकॉज सोल्यूशन के बॉन्ड कैसे हैं स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होंगे तो देखो दो चार तो एग्जाम्पल याद कर लो, इसका एग्जाम्पल होगा इथेनॉल प्लस जल वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर या कह दो मिथेनॉल प्लस वाटर। नेक्स्ट अगला कह सकते हो आप एसीटोन, एसीटोन प्लस एल्कोहल, एसीटोन प्लस एल्कोहल, इधर आपका एग्जाम्पल क्या बन सकता है तो इधर एग्जाम्पल बनेगा कोई भी एसिड डाल दो, इसकी भी ट्रिक है अपने पास, यहां पर कोई भी H प्लस देने वाला ले लो, तो जैसे HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या ले लो आप H2O ले लो। एक विशेष एग्जांपल याद कर लो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर कैसा होता है नेगेटिव डेविएशन वाला होता है, क्यों होता है इसकी बात अपन बाद में करेंगे। नेक्स्ट तो वापस चलते हैं नॉन आइडियल, आपने पढ़ा आइडियल, आपने पढ़ा आइडियल और नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन उल्टे हाथ की तरफ खुले, नेगेटिव डेविएशन सीधे हाथ की तरफ लाइन खुले, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, इसके एग्जांपल हो गए एथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस एल्कोहल, उसका हो गया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और HNO3 प्लस H2O। अब हम ये शो करते हैं कि ये पॉजिटिव दिखाता है और ये नेगेटिव दिखाता है क्यों, तो बाय चांस इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाई एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मिक्सचर शोस नेगेटिव डेविएशन, तो आप क्या कहोगे तो देखो ये नेगेटिव क्यों दिखाते हैं, तो आप सोचो हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया इसका मतलब उसमें जो वोलेटिलिटी है वोलेटाइल नेचर है वो कम हुई होगी, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हुई होगी बड़ी होगी, तो इनको चेक करो एसीटोन का फॉर्मूला क्या आपके पास, एसीटोन का फॉर्मूला CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या बेटा प्लस HOCl CL CL, ठीक है ये आपका CHCl3 सॉरी यहां पर फॉर्मूला हो गया CHCHCl3, ये तो हो गया आपका एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का हो गया CHCl3। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो बॉन्डिंग कैसी होगी सी डबल बॉन्ड ओ इस तरफ CH3 इस तरफ CH3 फिर यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग CCl CL CL, ये देखो दोनों के बीच क्या हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई इंक्रीज हो गई, और स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने से जो इसकी वोलेटाइल नेचर है वेपर बनने की नेचर है या वेपर प्रेशर का जो नेचर है वो कम होगा, और इसी कारण ये कैसा दिखाएगा आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो बताइए अभी हमने क्या पढ़ा नॉन आइडियल किसे कहते हैं जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की ईच रेंज पर ऑब्वियस नहीं करें, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था नॉन वोलेटाइल में
पी टोटल का वैल्यू पी टोटल कंपोनेंट के सम से क्या होगा, ज्यादा, जबकि कंपोनेंट का सम पी टोटल से ज्यादा हो। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा एच नेगेटिव हो तो नेगेटिव डेविएशन। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो नेगेटिव। सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा सॉल्यूशन से तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब सॉल्यूशन के बॉन्ड वीक होंगे तो सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शन फास्ट होगी। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शन कैसी होगी, धीमी होगी। अब ये जो आपने तीनों चारों पढ़े इन तीनों चारों को एक शॉर्ट में ले लेते हैं, एक शॉर्ट वे में ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या पढ़ा, सॉल्यूशन दो टाइप के, आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है, चार पॉइंट होते हैं उसमें। पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दूसरा होता है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, ए ए बी बी बराबर ए बी। अगर सभी में इक्वल टू का साइन लग जाए तो क्या होगा, आइडियल। नॉट इक्वल टू का लग जाए तो नॉन आइडियल। सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड खुल जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। सारे के सारे कैसे खुल जाए बेटा, राइट हैंड साइड खुल जाए तो कैसे होंगे, नेगेटिव डेविएशन होंगे। आइडेंटिफाई बता दिया आपको। अगला पढ़ते हैं एजोट्रॉप, एजोट्रॉप, एजोट्रॉप्स। व्हाट आर एजोट्रॉप, एजोट्रॉप क्या होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएंगे आपके पास, एजोट्रॉप कहलाएंगे, ठीक है। जिनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो। या ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन कंपोनेंट, या यूं कह सकते हो टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, मोर देन टू लिक्विड कंपोनेंट, कंपोनेंट मिक्सचर, मिक्सचर विच कांट बी सेपरेट एनी मेथड एज डिस्टिलेशन, जो किसी से भी सेपरेट नहीं हो सकते, दो या दो से अधिक लिक्विड सॉल्यूशन या कंपोनेंट या उनसे बने कंपोनेंट के बने हुए मिक्सचर जो कैसे ही एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते या उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं वो, एजोट्रॉप कहलाते हैं, एजोट्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो आपके पास एजोट्रॉप है, ये भी दो प्रकार के, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप। एजोट्रॉप भी हमारे पास कितने टाइप के, टू टाइप के। पहला होता है आपका मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप, और दूसरा होता है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम क्या होता है, तो देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले किसके एग्जांपल है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल है। और ऐसे ही एक स्पेसिफिक कंडीशन पर सारे जो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल है, सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जांपल है वो किसके होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप होंगे। नेक्स्ट अगली बात, अब इसमें एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल आपने क्या लिया, तो आप कहोगे इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी, इसको आपने ले लिया 95% और इसको आपने ले लिया कितना परसेंट, 5%। एक आपने लिया 95%, एक लिया कितना, 5%। इसको ए सपोज कर लो, इसको बी सपोज कर लो, ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ से आप क्या पाते हैं, देखो यहां हो गया आपका एक्स ए, एक ही जगह ले लो इथेनॉल, तो हो गया C2H5OH। यहां हो गया एक्स बी मतलब H2O, ऐसे ही इधर हो गया एक्स C2H5OH और एक्स H2O। सपोज करो इसकी मोल फ्रैक्शन 1 है तो वाटर की कितनी होगी, 0। अगर इसकी कितनी है, 0, तो वाटर की कितनी होगी, 1। नेक्स्ट इस लाइन पर कौन एग्जिस्ट है, इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 78 के लगभग होगा, तो आप कहोगे 78.2, 351 केल्विन में, 351.2 केल्विन के लगभग हो जाएगा। ऐसे इस लाइन पर कौन एग्जिस्ट है, वाटर 100 डिग्री मींस 373 केल्विन,
अब जब इनको मिक्सिंग करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो थोड़ा इसके नीचे आएगा यहां पर, जहां पर ये मिक्सिंग होगा। तो मिक्सअप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आएगा लगभग 351.1 या 351। मींस मिक्सचर का या रिजल्टेंट का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वाले से भी मिनिमम हो तो होगा आपके पास क्या, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। एज़ोट्रॉप इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट इज लेस देन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। ऐसा एज़ोट्रॉप जिसमें रिजल्टेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मिनिमम वाले से भी कम हो तो वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, और उसमें मैक्सिमम वाले से भी ज्यादा हो तो फिर क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। जस्ट इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, HNO3+ वाटर एक स्पेसिफिक कंडीशन बनाओ। तो इसकी कंडीशन हो गई, इसको लेना है 68%, इसको लेना हमें कितना 32%। तो एक ले लिया 68, एक ले लिया आपने 32, बना दो दोनों का वापस ग्राफ से। इधर हो गया आपका X HNO3, इधर हो गया आपका X H2O, ऐसे ही X HNO3 और इधर हो गया आपका X H2O। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1। कौन एग्जिस्ट हो रहा है, HNO3, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है 83 डिग्री। या कौन है, वोटर का होता है 100 डिग्री। जब ये आपस में मिक्सअप होंगे तो यहां इनका रिजल्टेंट आएगा जो 100 से भी ज्यादा होगा, 100.5 या 100.3 के लगभग होगा, मींस इससे ज्यादा आएगा। तो रिजल्टेंट का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वाले से भी ज्यादा आए तो वो क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। तो क्या होगी डेफिनेशन, एज़ोट्रॉप इन विच boiling point of resultant solution is greater than higher boiling point component. Higher boiling point component is maximum boiling point azotrop. ज्यादा वाले से भी ज्यादा, कम वाले से भी कम तो होगा आपका minimum, और ज्यादा वाले से भी ज्यादा तो क्या होगा, maximum boiling point azotrop. तो azotrop क्या होता है, ऐसा liquid solution या यूं कह दो pure जो liquid होता है, प्योर लिक्विड जितना बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन, या इसको यूं भी बोल सकते हो आप, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एज़ोट्रॉप को क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर या सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है, जिसका एक बॉइलिंग पॉइंट पर मिक्सचर कांस्टेंट रहता है, जिसको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, वो कहलाता है एज़ोट्रॉप। बुक्स में लिखा होता है टू और मोर देन टू लिक्विड कंपोनेंट मिक्सचर विच कांट बी सेपरेट एंड देयर रिमेंस कांस्टेंट एट स्पेसिफिक टेंपरेचर या फिक्स टेंपरेचर या डेफिनेट टेंपरेचर इज एज़ोट्रॉप, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, एज़ोट्रॉप कहलाते हैं। ये हो गया आपका एज़ोट्रॉप। तो आपने क्या पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो मर सकते हैं पर जुदा नहीं हो सकते, मींस किसी भी मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। केमिस्ट्री का बड़ा गुंडा कौन है, डिस्टिलेशन है, जिससे किसी को भी सेपरेट कर सकते हो, एज़ोट्रॉप सॉल्यूशन उससे भी नहीं सेपरेट होते, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये किससे सेपरेट, किसी से भी सेपरेट नहीं होंगे, दे आर कांट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, डिस्टिलेशन से भी ये सेपरेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगला पॉइंट आ रहा है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो कॉलिगेटिव का मतलब होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दीज आर फोर टाइप। फर्स्ट वन इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। नेक्स्ट सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोल सकते हैं इबुलियोस्कोपी। नेक्स्ट थर्ड हो सकता है आपके पास डिप्रेशन या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ होता है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर।
अनदर वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बात कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी, सीपी प्रॉपर्टी विच डिपेंड, या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देर आर फोर टाइप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन सॉल्यूशन। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज लोअरिंग इन फ्रीजिंग, लोअरिंग और डिप्रेशन एक ही बात है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहला हम स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये हो गया आपके पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब सबसे पहले बात आती है बेटा वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। वेपर प्रेशर आपके पास क्या होता है, तो सपोज करो ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, पहले ये आपका क्या है प्योर सॉल्वेंट है, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, क्या कहना है वेपर, तो पहले वेपर बनाओ, तो जैसे ही इस लिक्विड को गर्म किया जाएगा या इसके साथ कोई भी घटना होगी तो ये क्या बनाएगा अपनी एक वेपर बनाएगा, इससे ये वेपर, ये बन गई वेपर। अब जैसे ही वेपर क्रिएट होगी ये नीचे की तरफ क्या क्रिएट करेगी, या वेपर जैसे ही आपके पास फॉर्म्स होगी वो क्या क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी परपेंडिकुलर यहां पर, और यही प्रेशर आपका क्या कहलाता है वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर क्रिएट ए परपेंडिकुलर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज वेपर प्रेशर। नाउ इसके बाद हमारे पास बात आती है लोअरिंग, तो लोअरिंग का मतलब है कमी, कमी हुई है इसका मतलब कोई डिफरेंस आया, वो डिफरेंस कहां से आया, तो सबसे पहले बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, आप होगे पी नॉट। अब आप इसमें क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या इंप्योरिटी इसमें मिक्स करोगे, तो जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता है सॉल्यूशन बनता है, तो यहां पर वेपर प्रेशर हो गया क्या पी एस, पहले क्या था पी नॉट, फिर क्या आ गया पीएस, आया हुआ पीएस पी नॉट से कम होगा तभी तो लोअरिंग है, और इसी लोअरिंग को बोलते हैं आप क्या, इसी लोअरिंग को आप बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ा था व्हाट इज वेपर प्रेशर, सेकंड हम पढ़ रहे हैं लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा वाले से कम वाले को घटा दो, तो पी नॉट माइनस पीएस जिसको हम बोल सकते हैं क्या डेल्टा पी नॉट, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दो, उसमें से क्या कर दो आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जो आएगा वो क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इंग्लिश में बोल दो व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप कहोगे सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट when mix non volatile solute in solvent then vapor pressure of solution ps is decreased with the respect of vapor pressure of solvent is lowering in vapor pressure। next third what is reason, reason kya hai is baat ka ki ye kam ho gaya ya decrease ho gaya, to dekho when mix non volatile solute kya hoga ye iski surface ko cover kar lega, तो कवर करने से वेपर कम बनेगी, वेपर ही कम बनेगी तो वेपर प्रेशर तो कम होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर तो डिपेंड ही किस पे करता है वेपर पर करता है। तो आपसे पूछता है व्हाट इज रीजन ऑफ लोअरिंग, तो आप कहोगे व्हेन मिक्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट देन इट कवर्ड सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ वेपर डिक्रीज सो वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट वेपर प्रेशर आगे समझ में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, रीजन आ गया, अब चलते हैं चौथा आरएलवीपी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, तो आप मुझे बताओ क्या आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जानते हो, जी हाँ जानते हैं, क्या होगा पी नॉट माइनस पीएस अपॉन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, ये प्योर के रेस्पेक्ट में हुआ, इसका रेशियो क्या कहलाता है आरएलवीपी। तो क्या कहोगे व्हाट इज आरएलवीपी, द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज RLVP। क्या कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं RLVP कहते हैं।
नेक्स्ट यहां लिखा हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो अभी तो प्रूफ करना बाकी है, चारों को ही प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखें कि कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होगी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब होगी जब इनमें से चारों प्रॉपर्टीज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, अगर उसके प्रोपोर्शनल आ जाए या उसके इक्वल्स टू आ जाए तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। दोबारा से सुन लीजिए, व्हाट मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेरिवेशन के लिए। तो डेरिवेशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हेन ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या ऑल प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल्स टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, देन दे सपोज देन दे अज्यूम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वे तभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जा सकती है, प्रूव हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। चलो करके देखते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, क्या डाल रहे क्वेश्चन, प्रूव दैट RLVP इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव दैट RLVP इज CP। तो आप जब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे राउल्ट्स प्रकट होगा, राउले आएगा, तो आप कहोगे फर्स्ट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेटा नॉन वोलेटाइल के लिए, PS प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट, कॉल दो क्या होगा, PS इक्वल्स टू P नॉट X सॉल्वेंट, नेक्स्ट इसको नीचे दे दो, तो PS अपॉन P नॉट बराबर क्या होगा बेटा X सॉल्वेंट। नेक्स्ट इन बोथ साइड सब्सट्रैक्ट बाय वन, एक में से दोनों और घटा दो, तो यहां हो जाएगा वन माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू, यह हो गया 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लो 1, तो क्या आ जाएगा बेटा पी नॉट, इधर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू। अब सभी जानते हैं एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट बराबर 1 होता है, क्या होता है आपके पास एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है 1, तो एक्स सॉल्यूट बराबर क्या होगा बेटा उधर चला जाएगा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। तो इस बात को आप यहां पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो एक्स सॉल्यूट। हेंस प्रूफ, देख लो इस डेरिवेशन से प्रूव हो चुका है, क्या प्रूव हो चुका है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मीन्स आर एल वी पी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इस बात को हम ये भी कह सकते हैं, देखो मैथमेटिकली एक बात और प्रूव हो रही है, इसी बात को हम आगे सॉल्व करें बेटा, तो क्या है देखो पी नॉट को ऊपर दे दो क्या होगा पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट एक्स सॉल्यूट। जरा ध्यान से देखो प्रोपोर्शनल के साइन को यहां से आपने क्या किया रिप्लेस किया, तो क्या आ गया पी नॉट आ गया, तो इक्वल्स टू और पी नॉट को रिप्लेस कर दो तो वापस क्या आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो डेल्टा पी नॉट, इसको मैंने लिखा डेल्टा पी नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट means delta p naught lowering in vapor pressure is proportional to mole fraction of solute, so it is also colligative property but it is not correct। यह practically रूप से नहीं देखा जा सकता, practically रूप से यह आपका wrong decide होगा, wrong decide है। तो आप नोट खोपड़ी में नोट कर लो एक बात, एक specific नोट, RLVP ही क्या है colligative property है, lowering in vapor pressure colligative property नहीं है। यह हमारा फर्स्ट आरएलवीपी कंप्लीट होता हुआ, अगर हमें आरएलवीपी को रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर को या लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखना है तो इसके लिए बैरोमेट्रिक प्रोसेस होता है, तो डायरेक्टली मेजर्ड बाय बैरोमेट्रिक प्रोसेस। आप इसको डायरेक्ट किससे मेजर कर सकते हो बैरोमेट्रिक प्रेशर से इसको मेजर कर सकते हो। चलो एक बार दोबारा इसका हल्का सा रिवाइज कर लें, हमने स्टार्ट किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, कितने टाइप का 4 टाइप का आरएलवीपी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया आरएलवीपी मींस रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर वेपर क्रिएट ए परपेंडिकुलर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज वेपर प्रेशर।
What means lowering in vapor pressure? P naught minus Ps, delta P naught. P naught minus Ps means vapor pressure of pure solvent is P naught. When mix non-volatile solute, then vapor pressure of solution is cut off pure solvent. This decreasing in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure. Reason: when mix non-volatile solute, then it covered the surface surface of solvent. So amount of vapor decrease, so vapor pressure also decrease. Next, RLVP, the ratio of lowering in vapor pressure and pure solvent is RLVP. Prove that RLVP is colligative property from Raoult's law. लगा के वन में से क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारे पास आ गया P naught minus Ps upon P naught. Means RLVP solute की मोल फ्रैक्शन के बराबर है, इसलिए यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, यह आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट. अब बात करते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. ये जो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूं. ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा, एक चार्ट से इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देंगे. नेक्स्ट, अगला चालू हो रहा आपका सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चलिए इसकी बात करते हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो वापस वही, मैं तो प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं भाई, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में वही लेना, प्योर सॉल्वेंट. नेक्स्ट, फिर इसमें क्या करते हैं, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं. तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो आप क्या कहोगे, पानी बॉयल होने लग गया, तो पानी को डालते ही तो बॉयल होता नहीं, उस पर क्या होता है आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है. तो क्या कहोगे, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट सर्टेन और डेफिनेट टेम्परेचर, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्रेशर, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, क्या कहलाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. व्हाट मींस एलिवेशन? एलिवेशन मींस इंक्रीज. तो आप कहोगे सपोज दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टीबी, व्हेन मिक्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देन टीएस, this Ts is increased with the respect of Tb. This increasing in boiling point is known as elevation in boiling point. Means delta Tb is, ज़्यादा वाले में से कम वाले को less कर दो, तो इस बार ज़्यादा वाला कौन है, Ts, minus क्या हो गया, Tb. This is elevation in boiling point. What is reason of elevation? पहले आपने देखा था depression का reason, अब बात करते हैं किसका reason, elevation का reason. तो देखो जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस पे मिक्स करोगे, इट कवर्ड सॉल्वेंट सरफेस, ये क्या करेगा, इसकी सरफेस को कवर कर लेगा. कवर करने से इसका वेपर प्रेशर इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, नॉन वोलेटाइल के तो वोलेटाइल बन नहीं सकता, बट इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से They pulled out from solvent surface. वो कहाँ जाएंगे? Solvent की surface से भाग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे. तो इसका vapor pressure इसके equal हो जाएगा. कब? बढ़े हुए temperature पर. तो ये इसका क्या हो गया? Reason हो गया. दोबारा से सुनना सारे point. What is boiling point? Temperature at which boiling point of liquid is equals to atmospheric pressure is boiling point. नेक्स्ट सेकंड, व्हाट मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टीबी, व्हेन मिक्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. दिस इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट इज रीजन?
When mixed non-volatile solute, it covered solvent surface. It covered solvent surface when increased temperature. Then kinetic energy of non-volatile solute increased and they pulled out from solvent surface. At this increasing temperature, its vapor pressure is equals to this. So it is elevation in boiling point. Now अब हम बात करते हैं क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर डेल्टा टीबी किसके इक्वल्स टू आ जाए, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के इक्वल्स आ जाए तो समझ लेना है, नहीं तो नहीं है. तो आपको फिर से क्वेश्चन की बात करते हैं. प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टीबी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. यह बात आपको प्रूफ करनी है कि डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो यहां पर आप ध्यान रखें, जैसे मैंने दूसरा आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एलिवेशन और तीसरा था डिप्रेशन, इन दोनों पॉइंट्स में एक बात आप कॉमन है वो याद कर लो. सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ, इसकी डेफिनेशन में आएगा वो. सेकेंड, जब भी नॉन वोलेटाइल मिलता क्या लगाते हैं आप, राउल्ट्स लॉ लगाते हो. और थर्ड, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनसे मिलाकर इक्वेशन थर्ड प्राप्त कर लो और उसको सोल्व कर लो. सोल्व करने से आपको क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा. तो देखो किस किस के बीच ग्राफ बनेगा. तो डेफिनेशन क्या बॉइलिंग पॉइंट की, जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ही हो गया दोनों. तो वेपर प्रेशर का रिलेशन किससे है, टेम्परेचर से. तो चलो बात करते हैं हम इस डेफिनेशन से. एक तरफ ले लेते हैं, एक एक्सिस पर इधर वो क्या ले लेते हैं, वेपर प्रेशर, और इधर ले लेते हैं हम क्या, बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ले लो इधर आप, बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट, सबसे पहले लेता हूं मैं सॉल्वेंट, फिर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट का ग्राफ यहां से आएगा, सॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा आगे से आएगा. बिकॉज सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, तो हमेशा ही सॉल्वेंट से ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी होती है, सॉल्यूशन की. तो क्या कहोगे, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर एक्सिस और बॉइलिंग एक्सिस की तरफ क्या करोगे आप, ड्रॉ करोगे. तो ये इंटरशिफ्ट करेंगे कहां कहां, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर. इन पॉइंट्स को जब आप टेम्परेचर एक्सिस की ओर बढ़ाओगे तो ये यहां पर ड्रॉ करेंगे. तो ये सॉल्वेंट का क्या होगा, टीबी. सॉल्यूशन का क्या होगा, टीएस. वेपर प्रेशर प्योर का यहां पर मिला तो पी नॉट, ये कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा. तो ये हो गया आपका पीएस. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है ज्यादा वाले में से कम वाला. पढ़ा था अभी आपने बेटा, पी नॉट माइनस पीएस, ये हो गया डेल्टा पी नॉट. ये टीएस माइनस टीबी, तो यहां तक क्या होगा, डेल्टा टीबी. तो क्या कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ डेल्टा पी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी. तो फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम ग्राफ, और ग्राफ में क्या देखा आपने, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकंड बात आती है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, रावले के नियम से राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, डेल्टा, बोलो यहां से, डेल्टा पी नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स बी. हम जानते हैं अभी अभी आपने स्टडी किया था राउल्ट्स लॉ, तो आरएलबीपी का क्या था, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या था, x सॉल्यूट. तो x b, b का मतलब होता है x सॉल्यूट. अभी लास्ट लेक्चर अभी आपने लास्ट जो पॉइंट था उसमें स्टडी किया था. तो डेल्टा पी नॉट बराबर क्या, डेल्टा पी नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x b. अब क्या करो, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो. तो बताओ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट की जगह क्या आ गया, एक्स बी. साइन हटा दो तो हो गया डेल्टा टी बी बराबर क्या हो गया, के इंटू एक्स बी. और एक्स बी का मतलब होता है सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल. तो क्या बन जाएगा यहां पर, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू स्मॉल एन, एन प्लस एन मीन्स सोल्यूट के मोल प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल. यहां पर हम सॉल्वेंट के मोल को सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मान के उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं. तो बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के इनटू एन अपॉन एन. नेक्स्ट, एन और एन को भी क्या करो आप, और छोटी स्टेप में तोड़ो. तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, ग्राम में अमाउंट अपॉन मोलर मास, छोटा एन सॉल्यूट और बड़ा एन सॉल्वेंट. तो बन जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, बोलो
के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन सॉरी छोटा एन है तो बी होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सॉल्व करो तो हो गया डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एम ए इंटू, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा डब्ल्यू बी एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू वन, दिस इज मोलेलिटी। याद करो मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, जी हजूर वाह अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट की ग्राम में अमाउंट, तो बी मतलब सॉल्यूट डब्ल्यू मतलब वेट, एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बी, वन का मतलब वन और थाउजेंड से मतलब नहीं है, थाउजेंड तो ग्राम है वन है तो केजी में है, और डब्ल्यू मतलब सॉल्वेंट का वेट, तो क्या बन जाएगा ये यहां से बन जाएगा आपका डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एम ए इंटू स्मॉल एम, और के और एम ए ये क्या आपके पास कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, एम ए सॉल्वेंट का क्या है मॉलिक्यूलर वेट वो भी कॉन्स्टेंट है, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू छोटा एम। हेंस प्रूव, क्या बात प्रूव हो गई यहां से, इट इज प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोलिनिटी सो इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने इस बात को क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट यहां से बेटा देखो ये जो के बना है के, ये के दो टाइप का है, कैसा कैसा, ये के भी दो फॉर्म है, एक होगा एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और एक होगा आपका मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। तो एक तो हो गया एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा क्या हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम के स्टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलल एलिवेशन स्टैंड को केबी से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस इक्वेशन को वापस खोलो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम, खोला तो क्या बन गया डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू मोलैलिटी जी हजूर वाह अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या डब्ल्यू बी के हिसाब से कह दो, तो ये तो बन गया मोल बेटा और ये बन गया वेट, तो आप कह सकते हो एक मोल को एक ग्राम में डिसॉल्व किया, एक मोल को वन मोल को किसमें डिसॉल्व किया आपने वन ग्राम में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद जो डेल्टा टी बी आता है वही डेल्टा टी बी क्या होता है एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और इसकी डेफिनेशन बन गई वन मोल, वापस यहां तो वन मोल लेना है लेकिन यहां ले लो आप थाउजेंड ग्राम, तो वन मोल को थाउजेंड ग्राम में डिसॉल्व करने पर जो डेल्टा टी बी आता है उसे क्या कहते हैं हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन व्हाट इज एलिवेशन कांस्टेंट तो क्या कहोगे, व्हेन वन मोल सॉल्यूट मिक्स इन वन ग्राम सॉल्वेंट, वन मोल सॉल्यूट मिक्स इन वन ग्राम सॉल्वेंट, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन कॉन्स्टेंट। जबकि मोलल में क्या बोलोगे, वेन वन मोल सोल्यूट मिक्स इन थाउजेंड ग्राम सॉल्वेंट देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी। चलिए एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, इस पर एक रिवाइजमेंट कर लेते हैं। तो हमने सेकेंड पॉइंट स्टार्ट किया था बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं तुमसे पूछता हूँ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, टेम्परेचर एट विच temperature at which vapor pressure or boiling point of pure solvent is equals to atmospheric pressure is boiling point. Elevation in boiling point of pure solvent is TB. When mixed non-volatile solute, then boiling point of solution is greater than boiling point of solvent. This increasing in boiling point is known as delta TB. Elevation in boiling point. Reason? Due to mixing of non-volatile solute, it covered solvent surface. Boiling point या यू कह सकते हो vapor pressure of liquid comes equals to atmospheric pressure due to increasing temperature, kinetic energy of non-volatile solute increase. So non-volatile solute particle are pulled out from solvent surface and vapor pressure of liquid equals to atmospheric pressure. Next, prove that delta TB is colligative property. So from graph delta TB proportional to delta P naught, from Raoult's law delta P naught proportional to XB,
put the value of delta P naught from equation first, second to first, and obtain delta TB proportional to XB. Khola XB individual mole upon total mole. फिर खोला मोल इक्वल्स टू ग्राम अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आपके पास आ गया डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के, और इसी कारण वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फिर आपने स्टडी किया था एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एक को एक में डाल दो, एक मोल सॉल्वेंट, एक मोल सॉल्यूट को एक ग्राम सॉल्वेंट में मिला दो, जो डेल्टा टीबी होगा वो है एलिवेशन कॉन्स्टेंट। एक मोल को 1000 ग्राम में डाल दो, जो आपके पास क्या होगा डेल्टा टीबी होगा वो होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो चलो अगला स्टडी करते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं केबी। तो देखो केबी की यूनिट क्या होगी, राजस्थान बोर्ड पूछ चुका है, तो यहां से अगर फॉर्मूले से लिया जाए तो केजी मोल इनवर्स, डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा यहां से चेक कर लो, इसका तो हो गया मोल, इसका क्या हो गया मास बार वेट सॉरी, और इसका हो गया आपके पास के, तो ये तो इससे इनटू हो जाएगा केजी और मोल आ जाएगा नीचे, तो यहां पर आपका यूनिट बन गया केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। काका जी मोल ले लो, याद करने का तरीका काका जी मोल ले लो। केबी की वाटर के लिए बेटा कितनी वैल्यू होगी, फोर वाटर, केबी का वैल्यू होता है 0.52 केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट अगर थर्मोडायनेमिक से आपको केबी का यूनिट फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है एम आर डेल्टा टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एच वी, ये फॉर्मूला होगा इसका थर्मोडायनेमिक से। एम क्या होगा आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, एम क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, आर आपका गैस कांस्टेंट सबको बताइए, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच वी तो ये होगा आपके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन, योगी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हो जाएगी आपकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट ये हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के भी। लास्ट बात करते हैं, इसका बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया जो इंपॉर्टेंट भी है, एलिवेशन कॉन्स्ट जो आपके पास क्या आया एलिवेशन आया या इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आया केबी, इसको हम इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, तो इस इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के फॉर्मूले से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट by ebullioscopic method या ebullioscopy या elevation in boiling point, elevation in boiling point के formula से आप क्या निकालो, आप क्या calculate करो, molecular weight calculate करो, तो आप यहां से start करोगे इसका answer from colligative property क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू छोटा एम, खोल दो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी क्या होती है जी अजूर हुआ वो पड़ा, तो जी मतलब ग्राम में अमाउंट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का इनटू 1000 अपॉन क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको क्या निकालना बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऊपर दे दो, तो एम बी बराबर फॉर्मूला हो गया केबी इनटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए, यह आपका सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। हमेशा ध्यान रखो सॉल्वेंट जो आया आपका सॉल्वेंट उसको बोलते हैं ए, सोल्यूट जो आया उसको बोलते हैं बी, डब्ल्यू का मतलब सबको बताइए वेट होगा, और एन का मतलब क्या होगा आपका मास होगा या मोलर मास कह दो इसको, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कह दो मोलर मास, यह आपका हो गया कंप्लीट टॉपिक कौन सा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने इससे पहले कहा था आरएलवीपी या लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे निकालते हैं बैरोमेट्रिक मेथड्स है, तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल वैल्यू कैसे मेजर करेंगे लेंड्सबर्गर मेथड से,
लेंड्स बर्गर मेथड से, ये होगा लेंड्स बर्गर मेथड से। ये आपकी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट, लेक्चर बड़ा होता जा रहा है, इसको हम यही आज फिनिश करेंगे। देखो बेटा, ये सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड था जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की। कोरोना महामारी को देखते हुए आप घर पर रहें और अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस का स्टडी करें। नमस्कार, थैंक यू।